हेलो एवरीवन दिस इज कपिल कादेन यूर साइंस क्रोजी इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूर बोर्ड एग्जाम तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स फंक्शन और साथ में आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है तो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू तो लाइन सभी कॉन्सेप्ट्स को तो वीडियो कंतक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से चैनल के प्ले में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर साइंस में आपको टॉप कराने वाले हैं तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन कि द ब्रेन इज द हाइस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कि द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी ऑल पार्ट ऑफ ए बॉडी टू इंटीग्रेट इट तो देखिए बेसिकली बच्चों कि ब्रेन क्या है एक हाइएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का ब्रेन और स्पाइनल कोड कंसिस्ट होते हैं किसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सी एन एस भी कहते हैं कि दे रिसीव द इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन कहाँ से ऑल पार्ट ऑफ ए बॉडी और उसको फर्दर इंटीग्रेट करता है अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास यहाँ से बेसिकली बच्चों कि ब्रेन इज ए प्रोटेक्टिव बाय जो ब्रेन है वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है कैरिनियम के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एम क्वेश्चन है ए बोनी बॉक्स इन दिस दिसकल एंड ए कवर्ड बाय थ्री मैमब्रेन इस कॉल इज ए मैनी गेज जो थ्री मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर होता है उसको मैनीगेज कहते हैं ये भी याद रखना है आपने उसके साथ द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फील्ड बाय ए सैरिब्रो स्पाइनल फ्लूड वन मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि जो स्पेस प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के बीच में वो किसके द्वारा अप होता है सैरिब्रो स्पाइनल फ्लूड के द्वारा जो बेसिकली फर्दर प्रोटेक्ट करती है ब्रेन फ्रो में मकैनिकल सोक्स के द्वारा तो देखिए बच्चों यहाँ पर सैरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का जो काम है वो क्या है वो प्रोटेक्ट करना ब्रेन को किसी भी मैकेनिकल शॉक से उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्री मेन रीजन ऑफ दी एंड या थ्री मेन पार्ट ऑफ दी ब्रेन पहला हमारे पास कौन सा है फोर ब्रेन कि फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट ये सबसे लार्जेस्ट है और मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का इट रिसीव द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर ये बेसिकली रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स जो होती है किस हर एक रिसेप्टर के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करता है अब इसके अंदर इट कॉम्प्राइज ये किस किस के द्वारा बना हुआ है बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सैरीबरम अब सैरीबरम इट इज द पार्ट ऑफ ए फॉरब्रेन कि इट एक्ट एज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन ये भी मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का बेसिकली कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनिंग ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रीजनिंग के लिए स्पीच के लिए इंटेलिजेंट साइट्स के लिए और हीरिंग एड्स वगैरह के लिए उसके बाद कि दे आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन इसके अंदर अलग अलग सेपरेट एरिया होते हैं एसोसिएशन के लिए कि वेयर द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज़ इंटरेप्टेड by the combining the information from the other receptor as well as the information that is already stored in the brain are found in a cerebrum वो so, basically कहाँ पर पाई जाती है सभी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है वो सेरिब्रम के अंदर सिंपल सी बात है बेसिकली बच्चों कि ये सेपरेट एरियाज इसके अंदर होते हैं एसोसिएशन के अंदर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी जो बॉडी के अंदर से जो सेंस बेसिकली इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं उसको इंट्रेप्ट करता है उसको कंबाइन करता है इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर के द्वारा और जो इंफॉर्मेशन हमारे ऑलरेडी पहले ही स्टोर होती है ब्रेन के अंदर उसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है सेरीबरम का वो रहेगा बेसिकली सेंसरी एरिया रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर इन द स्किन ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम किस को बेसिकली बच्चों वेरियस रिसेप्टर इन दी स्किन के अंदर से मसल्स के अंदर आईज ईयर एक्सेट्रा और नोज़ के द्वारा नेक्स्ट इसी के अंदर सेकेंड एसोसिएशन एरिया है इसके अंदर जो बेसिकली इंटरेक्ट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को बाय रिलेटिंग इट इन प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी प्रीवियस ईयर पास्ट एक्सपीरियंस है उसके द्वारा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी अदर रिसेप्टर और ये फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड करता है अदर रिसेप्टर को नेक्स्ट है इसके अंदर है मोटर एरिया तो हमारे पास तीन थे इसके अंदर सेंसरी एरिया एसोसिएशन एरिया एंड थर्ड इज़ ए मोटर एरिया उसके बाद मोटर एरिया का जो मेन फंक्शन है कि सेंड इम्पल्स टू दसल एंड ग्लैंड अब बेसिकली ये जो सेंड करता है इम्पल्स को टू ए मसल्स के द्वारा एंड ए ग्लैंड के अंदर आल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ किसकी मूवमेंट कंट्रोल करता है बेसिकली बच्चों ये वॉलेंट्री मसल जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होते हैं उसको बेसिकली ये कंट्रोल करता है नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है बेसिकली फोर ब्रेन का जिसको क्या बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लॉब्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि दीज आर दी पेयर ऑफ ए वेरी वेरी स्मॉल सॉलिड एंड ए क्लब्ड सेफ्ड बॉडीज वाइडली सेपरेटेड बाय ईच अदर बेसिकली ये स्मॉल होते हैं काफ़ी बच्चे और सॉलिड होते हैं और इनके क्लब्ड सेफ्ड बॉडी स्ट्रक्चर होती है एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब ये इसका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ऑल फैक्ट्री लोग हैं उसका मेन रीज़न क्या है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डिटेक्टिंग द स्मेल फ्रॉम द डिफरेंट रिसेप्टर ये डिडेक्ट करते हैं किसको बेसिकली बच्चों स्मेल को जो डिफरेंट रिसेप्टर के द्वारा इनको मिलती है नेक्स्ट इसी के अंदर एक मैंने नोट लिखा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाई जो वॉलेंट्री एक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा सैरी भ्रम के द्वारा अब एग्जाम्पल कि मूमेंट ऑफ ए मसल ऑफ ए लिम्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ये एग्जाम्पल रहेगा बेसिकली बच्चों किसका इसका एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास वॉलेंट्री एक्शन का नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास बेसिकली फोर ब्रेन का बच्चों ये है हाइपोथेलमस कि दिस पार्ट इज कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है अर्ग ऑफ वेटिंग ड्रिंकिंग एक्सेट्रा के बारे में बताता है उसको ये मेन फंक्शन है कि इसका हाइपोथेलमस का नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास जो ब्रेन आता है वो है मिड ब्रेन मिड ब्रेन जो मिडल के अंदर प्रेजेंट करता है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं अब इसका फंक्शन देखिए इट कॉनेक्ट ऑफ ए फोर ब्रेन ये किसके द्वारा कोनेक्ट होता है फोर ब्रेन के द्वारा टू दी हिंड ब्रेन ये मतलब बीच में है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के इन बिटवीन कि इट कंट्रोल द मोवमेंट ऑफ ए ये किसकी कंट्रोल कि करता है बेसिकली हेड की नेक की और ट्रंक टू लोकेट द साउंड एंड विजिबल रिफ्लेक्स दैट आर इन्वॉल्व इन द फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए बेसिकली बच्चों किसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये हेड की नेक की ट्रंक टू लोकेट द साउंड साउंड्स की एंड विजिबल रिफ्लेक्स जो हम देखते हैं दैट इन्वॉल्व इन द फोकसिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट जो भी हम ऑब्जेक्ट की फोकसिंग करते हैं उसकी ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है इट आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ ए आई मसल जो हमारी आई मसल है उसकी मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज़ को भी ये कंट्रोल करता है तो ये फंक्शन है इसके हमारे पास हिंड ब्रेन के इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला बेसिकली बच्चों हिंड ब्रेन अब हिंड ब्रेन बेसिकली इट प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन ये किसके साथ कनेक्ट होता है स्पाइनल कोड एंड रेस्ट ऑफ दी ब्रेन जो हमारे पास रेस्ट ऑफ ब्रेन है और स्पाइनल कोड के इन बिटवीन होता है ये इट कंसिस्ट ऑफ ए थ्री पार्ट इसके भी तीन पार्ट हैं अब इसके तीनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम तो पहला हमारे पास फर्स्ट टाइप है यहाँ पर बच्चों बेसिकली सैरीबिलम अब जो सैरीबिलम है ये क्या करता है इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट मस्कुलर एक्शन ये कंट्रोल करता है किसको कोऑर्डिनेट ऑफ ए डिफरेंट मस्क्युलर एक्शन को मसल के जो भी एक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है सैरीबिलम इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिस ऑफ ए वॉलेंट्री एक्शन ये किसके लिए स्पेंसिबल है बेसिकली बच्चों वॉलेंट्री एक्शन के लिए इट मैंटेन द पोस्चर एंड इक्वलीब्रेम ऑफ द बॉडी ये काफी इंपॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैंटेन करता है पोस्चर और इक्वलीब्रेम ऑफ ए बॉडी वो कौन है बेसिकली बच्चो दिस इज ए सैरीबिलम एंड ड्यूरिंग द वेरियस एक्टिविटी सच है जे वॉकिंग ड्रिंकिंग कैचिंग राइडिंग एक्सेट्रा अभी ये याद रखना है आपने कि मेंटेन करता है पोस्चर को इक्विलिब्रियम को ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द वेरियस एक्टिविटी जैसा कोई भी वॉकिंग हो रही है ड्रिंकिंग हो रही है कैचिंग हो रही है राइडिंग एक्सेट्रा तब की बात है ये तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली बच्चों जो मैंने बनाया आप सभी के लिए ये हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है अब इसके अंदर जो पार्ट है हमारे पास फोर ब्रेन का ये ऊपर वाला पार्ट सारा क्या है हमारे पास फोर ब्रेन का यहाँ पर ये जो पार्ट होता है दिस इज ए सैरीबरम यदि बात करें ये हमारे पास कैरिनियम है जिसको स्कल कहते हैं और उसके साथ साथ यदि बात करें इन बिटवीन के अंदर तो ये हमारे पास मिड ब्रेन है इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली बच्चों मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथेलमस वगैरह ये सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पिचरेटरी ग्लैंड्स होती है इसके अंदर यदि बात करें ये हमारे पास हिंड ब्रेन है जिसके अंदर पॉन्स मेडुला और हमारे पास सेरीबिलम और दिस पार्ट इज ए स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ से इस डायग्राम को देख के आप अपनी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर सेकेंड पार्ट हमारे पास बेसिकली बच्चों पॉन्स क्या होते हैं कि इट लाइज अबो द मेडुला ये मेडुला से ऊपर लाइज करता है एंड टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन जो इसका मेन पार्ट है बेसिकली वो जो वो है रेस्पिरेशन इट रिले द इम्पल्स बिटवीन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये रिले करता है इम्पल्स को बिटवीन किसके बीच में डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के बीच में थर्ड हमारे पास जो पार्ट है इसके अंदर बेसिकली बच्चों मेडुला अब जो मेडुला का मेन फंक्शन है इट फाउंड इन दी कॉन्टिन्यूसली विद ए स्पाइनल कॉर्ड ये कहाँ पर पाया जाता है स्पाइनल कोड के अंदर कंटिन्यूसली इट कंट्रोल ये किसको कंट्रोल करेगा इन एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ए ब्रीथिंग जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होते तो उसके बाद ब्लड प्रेशर जिसको बीपी कहते हैं एंड द रेगुलेट ऑफ ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स लाइक इज ए सैलवेशन और वोमिटिंग तो यहाँ से ये नोट कर लेने आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद यदि बात करें बच्चों बेसिकली नोट की अब ये जो नोट मैंने यहाँ पर मैंशन कराया तो ये नोट देखिए हमारे पास कि नोट क्या है कि मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म ऑफ द ब्रेन स्टेम इसको ही क्या बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम कहते हैं दैट इज़ कि सेंट्रल ट्रंक ऑफ द ब्रेन इसको सेंट्रल ट्रंक ऑफ ए ब्रेन कनेक्टेड विद ए स्पाइनल कोड ये किसके साथ कनेक्ट होगा बेसिकली स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट होगा अब इसके अंदर यदि बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ ए ब्रेन ब्रेन का जो मेन फंक्शन होगा वो क्या रहेगा हमारे पास इसके अंदर देखो मैंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है हर एक टॉपिक को बच्चों फर्स्ट पॉइंट कि इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ए ऑफ ए बॉडी कि ये बॉडी की जो भी एक्टिविटी होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है एंड टू दैट या सो दैट ऑफ ए मैकेनिज्म कि कोई भी प्रोसेस हुआ हार्मोनल रिएक्शन हुई बॉडी के अंदर उसको वर्क टुगेदर उसको फंक्शन को परफॉर्म करता है सेकेंड पॉइंट इट रिसीव द इंफॉर्मेशन कैरीज ए नर्व इम्पल्स ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है नर्व इम्पल्स के द्वारा फ्रॉम दी ऑल सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी थर्ड पॉइंट बेसिकली बच्चों इट कोलरेट द वेरियस ट्यूमरस फ्रॉम दी डिफरेंट सेंस ऑर्गन एंड प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और ये कोलरेट करेगा किसको बेसिकली वेरियस ट्यूमलस को फ्रॉम द डिफरेंट सेंस ऑफ ए ऑर्गन और परदर प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्ड को फोर्थ पॉइंट हमारे पास इट रिस्पॉन्ड टू द इम्पल्स ब्राउट बाय देंसरी ऑर्गन बाय सेंडिंग इट्स ऑन इंस्ट्रक्शन और आगे फर्दर अपने इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है टू दी मसल्स को एंड क्लैंड को कि कोजिंग द फंक्शन अकॉर्डिंग डैम ताकि फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हो सके फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर इट इट्सटोर द इंफॉर्मेशन शो दैट द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू दी पास्ट एक्सपीरियंस तो ये हमारे पास था बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ ए ब्रेन तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो उसको डिटेल में कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे जय हिंद जय भारत